सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में हमें कहते हैं गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज है और उन्होंने डिफरेंट सीट्स हासिल की है, तो नीचे हमें टेबल दिया गया है जिसमें हमें पार्टीज का नाम और किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है वो भी दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि आप बार ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, इस पोलिंग रिजल्ट का। और दूसरा पार्ट हमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने ज्यादा सीट्स इसमें हासिल की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कहते हैं ड्रॉ बार ग्राफ। तो पहले हम इस डेटा का जो है बार ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। यहां पे जीरो आएगा, एक साइड से हम पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे और दूसरे साइड से हम सीट्स वॉन। तो ऐसा कर लेते हैं, यहां से हम लेंगे सीट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, चलिए 90 तक लेते हैं, क्योंकि हमारा इसमें मैक्सिमम 75 यानी 80 तक आ सकता है, तो 90 मैंने लिया, यानी कि 10, 20, 30, ताकि हमें आगे जाके जब हम बार ग्राफ यहां से बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की साइड से, हमें वो बनाने में आसानी हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े मार्जिन देते हैं, जैसे कि 10 है बराबर यहां कर लेंगे, 30, 40, ये बराबर तकरीबन देंगे, ठीक है ना, यहां तक। तो आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी ए है, पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती है, यहां से क्या था सीट्स वॉन, सीट्स वॉन, और यहां से आप क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी ए 75 सीट्स, यहां पर 70 आता है और उसके बीच में 75 आएगा, यानी कि ऐसा कर लेते हैं यहां पर, ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसके बाद जो पार्टी बी है उसने 55 यानी कि इसके बीच में यहां पर आएगा, बी, ओके। चाहो तो इसको आप फिर डार्क भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से दिखे, इसको हम डार्क भी कर सकते हैं ऐसे, दूसरा इसी तरीके से, ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। उसके बाद है सी यानी कि 37 और थोड़ा सा ऊपर की ओर, यानी कि यहां पर तकरीबन आएगा, थोड़ा यहां ऊपर, यह आ गया 37 जो सी है पॉलिटिकल पार्टी सी। डी 29 है, यानी कि थोड़ा सा 30 के नीचे, थोड़ा सा, यहां पर
डिग्री है। उसके बाद ई जो टेन है सॉरी ई आएगा टेन यहां से आता है, और उसके बाद लास्ट में एफ जो 37 यहां पर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये हमारा बार ग्राफ बन गया, जिससे हमने रिप्रेजेंट क्या किया, जो पॉलिटिकल पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई एफ, और उन्होंने जो सीट्स यहाँ पे जीती है वो जैसे कि पहली पार्टी है ए, उसने 75, 55, 37, 29, 10 and 37। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन इसका था बार ग्राफ बनाने का, वो बार ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया और इस सीरीज हमने रिप्रेजेंट किया। और अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे जो दूसरा पार्ट इसका है, दूसरे पार्ट में हमें कहते हैं कि आप बताएं ऐसी कौन सी पार्टी इसमें है जिन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स इसमें जीती है, ठीक है ना। तो अगर हम बार ग्राफ की ओर देखेंगे तो इसे क्लियर दिखता है कि जो पार्टी ए है, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे।